ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का मामला, पंजाब असेंबली का माहौल गर्म, अपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोंक झोंक, राणा मोहम्मद इकबाल और वजीर कानून राजा बशारत से तल्ख कलामी, तुंदो तेज जुमलों का तबादला, अदालती अहकाम की मौजूदगी में स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे सकता, वजीर कानून राजा बशारत का बयान, वजीर कानून ने गलत बात की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, राणा मोहम्मद इकबाल अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। वालिद का चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था मगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। किसी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए, इस हवाले से कानून साजी की जाए। मौलाना माविया तारिक की असम्बली में तकरीर, 10 साल में जो बोया वही काट रहे हैं, चौधरी जहीर का खिताब। स्पीकर की प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर मुत्तफिका तजावीज सामने लाने की हदायत, चौधरी जहीरुद्दीन और मौलाना माविया की बातें ठीक है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि माजी के हुक्मरानों ने क्या कुछ किया। स्पीकर पंजाब असेंबली, यह हार जीत का मामला नहीं है, इन्हें दोबारा इक्तदार मिला तो ये लोग फिर से यही करेंगे, ऐवान का वक़ार बेहतर करने के लिए इकदाम करने चाहिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही। ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी हुई नशस्त पर जिमनी इलेक्शन, PP 168 के इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी, तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोखर और नून लीग के राना खालिद कादरी के दरमियान कड़ा मुकाबला मतवक्के, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जीत के लिए 100% पुरउम्मीद हूँ, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं, छुट्टी के बायस टर्न आउट कम है, हल्के की आवाम अपने हकूक के लिए निकलें, इल्जामात लगाना नून लीग का वतीरा है। PTI उम्मीदवार मलिक असद खोखर कामयाबी के लिए परअज़्म, कच्चा कमाहा रोड पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, हमारे 20 से 25 पोलिंग एजेंट्स को पकड़ लिया, लीगी उम्मीदवार राणा खालिद कादरी का इल्जाम, बोले नून लीग का हलका है हम जीत जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मुहिम फ्लैक्सिस तक महदूद रही, राणा खालिद कादरी ने अटारी सरोबा में एजुकेटर स्कूल में अपना वोट कास्ट किया। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान के एहसासों का मामला, अलीमा खान FBR को मुतमईन करने में नाकाम, FBR ने 2,94,00,000 टैक्स आयद कर दिया। हाईकोर्ट का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने पैदल चलने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म, मरीज और लवाकिन ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं, PIC के सामने इजाफी वार्डन्स तैनात किए जाएं, जस्टिस अली अकबर कुरैशी, LDA और सेफ सिटी अथॉरिटी को मौसर इकदाम का हुक्म। काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी बरकरार, शेख जैद हॉस्पिटल के आउटडोर्स के बाद इंडोर्स में भी काम बंद, YDA का 7वें रोज भी एहतजाज, मरीज और लवाकिन रुल गए, परेशान हाल मरीज मसीहाओं के मुंतजर। पंजाब में कोई वन मैन शो नहीं, टीम की तरह काम कर रहे हैं, चैलेंज कबूल किए, जून के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कॉस्मेटिक्स कामयाबी नहीं, दूरस नतायज के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की गुफ्तगू, बोले नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह अगले माह करेंगे। और मॉल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स ने हथियार थाम लिए, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से इंतहाई हसास मकाम पर असलहे की नुमाइश, लाहौर न्यूज पर खबर चलने पर CTO का नोटिस, ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल।